आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है नीति वचन 18वां अध्याय। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफुसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है।